हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूटी कैट। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज बात करेंगे, कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया है कि मद्रास हाई कोर्ट में जो पोस्ट रेसिडेंशियल असिस्टेंट के पोस्ट में जो फॉर्म निकले थे उसको वीडियो बनाने के मुझे बोला है। कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट किए थे कि फॉर्म फिलअप जो है ऑनलाइन हो तो कैसे करें। तो आइए बिना बात गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ज़रूर वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आपको कैसे समझ आए कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो इसी जो पेज है, ये वेबसाइट, तो इसका लिंक वीडियो के नीचे पहले जो लिंक होगा वही होगा। तो उसमें डायरेक्ट क्लिक करने के बाद आप ऐसे एक पेज आएंगे। यहाँ के आने के बाद आपको जो रजिस्टर का ऑप्शन है पे क्लिक है टू लॉग इन। अगर पहले से आप रजिस्टर कर सके तो उसके बाद लॉग इन में आप क्लिक किया। तो मैं नया ऐसे कर रहा हूँ तो मुझको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पेज आएगा। तो पहले आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम और पासवर्ड डाल के, तो ये मैं सब कुछ डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको बोल देता हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, आप सब कुछ डिटेल अच्छे से भरिए। उसके बाद कैप्चा जैसा है, अगर कैपिटल लेटर में कैपिटल, अगर स्मॉल लेटर में समझ, तो जैसा है वैसा करने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना होगा। तो जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे ये पे देखिए, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, एक्टिव लिंक हैज़ टू सेंड योर रजिस्टर मेल आईडी। तो मेल आईडी पे आपका जो लिंक है वो भेज दिया गया है। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरे मेल आईडी पे लिंक भेज दिया गया है। तो एक्टिव द रिक्रूटमेंट पोर्टल तो क्लिक करना होगा। मेल आईडी पे खोलने के बाद आपका जो लिंक भेज दिया गया है वो पे क्लिक करने के बाद आपका पेज लोड हो जाएगा और आपका जो एक्टिवेशन वो हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे जाके लॉग इन पर क्लिक करना होगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी ऑन कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप सब वीडियो देख सकें। आपके यूज़र नेम जो है और पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। तो जो यूज़र आईडी होगा फ्रेंड्स, वो आपका जो मेल आईडी आप यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद दिए थे वही यूज़र आईडी होगा। तो उसको डालने के बाद और आपका जो आपने पासवर्ड दिए थे और उसको और कैप्चा डालने के बाद आपको ऐसे पेज आएगा। तो ऐसे पेज आने के बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो पहला जो है ड्राइवर, उसके नीचे अप्लाई। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप ड्राइवर में अप्लाई कर सकते हैं। तो गार्डनर दूसरा है, तीसरा जो मैं जिस बारे में वीडियो बना रहा हूँ तो जो है वो है रेसिडेंशियल असिस्टेंट। तो आपको जो लास्ट डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 जून 2019, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो कि मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको वही बोल दूँगा, ठीक है। तो सारा कुछ फॉर्म का जो प्रोसीजर है क्लिप का फिल करने का वो सेम ही होगा, लगभग कुछ चेंजेस ज़्यादातर नहीं होगा। देखिए फिल करने के बाद ऐसे आपका आएगा जो कि तमिल लैंग्वेज में और साथ में इंग्लिश में भी है। तो ये सब कुछ आपका स्टेट में जो भी है सब कुछ आपका अच्छे से सिलेक्ट करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे जो भी बोला गया है सब कुछ जरूर सिलेक्ट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, थोड़ा हेल्प होगा इस वीडियो से आपको। तो सिलेक्ट करिए, उसके बाद आपका जो भी आगे आएगा फ़ोटो या सिग्नेचर वो सब अपलोड कीजिएगा। जो आप एड्रेस है यहाँ पे आपका एड्रेस भी डालना होगा, सेम एज करिए परमानेंट एड्रेस। तो मेल आई डी, मोबाइल नंबर जो भी है तो पहले रहेगा, और यहाँ पे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर भी डालना होगा। तो फ़ोटो कम से कम आप 20 से 40 के भी रखिए, और आपका जो सिग्नेचर हो 10 से 20 के भी के अंदर करिए। उसके बाद इसका अपलोड करिए, उसके बाद जो भी नेक्स्ट पेज आएगा पेमेंट का वो आप कर सकते हैं। तो अब आपको ये वीडियो समझ आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।